अब ये जो प्रकरण है ये दो प्रकार का है, तच्च प्रकरणम द्विविधम, दो प्रकार का ये प्रकरण होता है, एक है महाप्रकरण और एक है अवांतर प्रकरणम। ठीक है, महाप्रकरणम अवांतर प्रकरणम चेति। अब महाप्रकरण कौन है? जो प्रकृतियाग में आने वाली जो प्रधान है, प्रधान विधिवाक्य है, प्रकृतियाग में आने वाला विधिवाक्य है, उसे कहेंगे हम महाप्रकरण। और अवांतर प्रकरण कौन है? जो प्रयाज आदि में आने वाला जो विधिवाक्य है, उसे हम अवांतर प्रकरण कहेंगे। ठीक है, तो प्रकृति आगों की जो उभयाकांक्षा होगी उसे हम महाप्रकरण कहेंगे, और प्रयाज आदि आगों की जो उभयाकांक्षा होगी तो उसे हम अवांतर प्रकरण कहेंगे। ठीक है, अवांतर प्रकरण क्यों? क्योंकि वह अंग याग है, अंग याग जो होंगे वो अवांतर ही होंगे। जब तक अंगी नहीं होगा तो अंग भी नहीं होंगे, तो अंगी हो गया प्रधान, महाप्रकरण और अंग में आने वाली जो विधियाँ वो हो गई गौण या फिर अवांतर प्रकरण। तो वहाँ पर यही कह रहे हैं कि तत्र इन दोनों प्रकरणों में से मुख्य भावना संबंधी प्रकरणम महाप्रकरणम, जो मुख्य भावना है, जैसे कि दर्श पूर्णमासाभ्यम स्वर्गम भावयेत, ये है मुख्य भावना। ठीक है, मुख्य भावना इसमें क्या है? कथम भावयेत, तो ये मुख्य भावना से संबंधी प्रकरण जो होगा, उभयाकांक्षा जो होगी, उसे हम महाप्रकरण कहेंगे। ठीक है, तेन च प्रयाजादीनाम दर्श पूर्णमासांगत्वम, और इसी महाप्रकरण के कारण, इसी महाप्रकरण के द्वारा जो है ये जो प्रयाज आदि हैं वो दर्श पूर्णमास आदि यागों के, मुख्य यागों के अंग बनते हैं। ठीक है, इसी से, इस महाप्रकरण के द्वारा ही प्रयाज आदि जो हैं वो दर्श पूर्णमास आदि के प्रधान यागों के अंग बनते हैं। ठीक है, एतच्च प्रकृतौ एव उभयाकांक्षाया संभवात् न तु विकृतौ। क्यों? क्योंकि प्रकृतौ एव उभयाकांक्षाया, क्योंकि प्रकृति याग में ही उभयाकांक्षा होती है। ठीक है, उभयाकांक्षा का होना प्रकृति याग में ही संभव है, संभवात् न तु विकृतौ, विकृत याग में ये संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि जैसे अगर कोई कहे दर्श पूर्णमासाभ्यम स्वर्गम भावयेत, कि दर्श पूर्णमास यज्ञ करके अपने स्वर्ग की इच्छा की पूर्ति करें, तो प्रश्न ये उठा कि कथम भावयेत, कैसे करेंगे? तो कह देंगे कि प्रयाजेन समिधो यजेति। ठीक है, या प्रयाजा कर्तव्या, तो समिध आदि यज्ञ करके दर्श पूर्णमास यज्ञ को करें, प्रयाज आदि यागों के द्वारा दर्श पूर्णमास आदि यज्ञ को करें, तो ये आकांक्षा तो यहाँ पर उत्पन्न हो गई। लेकिन विकृति यागों में ये आकांक्षा उत्पन्न नहीं हो सकती कि कथम भावयेत। विकृति याग में समिधो यजेति में अगर ये भावना उत्पन्न होगी कथम भावयेत, तो इस भावना की शांति इस विधि वाक्य से हो जाएगी, प्रकृतिवत विकृति ही कर्तव्याः, कि जिस प्रकार प्रकृति याग किए जाते हैं उसी प्रकार विकृति याग भी किए जाएं। ठीक है, जो विकृति याग जो हैं, जो अपने आप में पूर्ण नहीं हैं, वो प्रकृति यागों से प्रचुर सामग्री को लेकर के, विधिवाक्यों को लेकर के, अंग आदि को लेकर के अपनी पूर्ति करें। तो प्रकृतिवत विकृति ही कर्तव्या। अब क्योंकि प्रकृति याग के अंग जो हैं विकृति याग में आ रहे हैं, तो प्रकृति याग के अंग और उन अंगों की जो विधियाँ होंगी वही विधियाँ विकृति याग में भी फॉलो की जाएंगी। इसलिए कहा गया कि प्रकृतिवत विकृति ही कर्तव्या। तो विकृति याग में जो है ये उभयाकांक्षा उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि विकृति याग में यदि यह आकांक्षा उत्पन्न होती है तो उसकी शांति प्रकृतिवत विकृति ही कर्तव्या, प्रकृति याग की तरह ही विकृति याग को करना चाहिए इस विधि वाक्य से। इति अतिदेशेन कथम भावाकांक्षाया उपशमेन, इस अतिदेश वाक्य से कथम भावाकांक्षाया जो होती है वो उपशम हो जाता है, उसकी शांति हो जाती है। और इसीलिए अपूर्वांगानाम अपि उभयाकांक्षाया विनियोग असंभवात। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, जो अपूर्व अंग हैं, ठीक है, जो नवीन अंग हैं, इन नवीन अंगों का विनियोग भी उभयाकांक्षा द्वारा नहीं हो सकता, इन नवीन अंगों का विनियोग भी उभयाकांक्षा द्वारा नहीं हो पाता। ठीक है, तो इन नवीन अंगों का विनियोग या अपूर्व अंग जो हैं, ये नवीन अंगों का विनियोग यदि उभयाकांक्षा से नहीं हो पाता तो फिर किसके द्वारा होता है? तो फिर कह रहे कि तस्मात् अपूर्वांगानां स्थानादेव विकृत्यर्थत्वम्, मतलब ये नवीन अंग जो हैं ये स्थान प्रमाण के द्वारा, जो प्रकरण प्रमाण के बाद आएगा स्थान प्रमाण, और स्थान प्रमाण के द्वारा जो हैं ये विकृति याग के अंग समझे जाते हैं। अब ये अपूर्व अंग क्या है, नवीन अंग क्या है? यहाँ तक हम ये जानते हैं कि विकृति याग जो हैं वो प्रकृति यागों पर आश्रित रहते हैं, विकृति याग जो हैं वो अपने आप में पूर्ण नहीं रहते हैं, उन्हें अपने आप को पूर्ण करने के लिए प्रकृति याग की क्रियाओं और उसके अंगों का सहारा लेना पड़ता है। अब विकृति याग में कुछ ऐसे नवीन अंगों का
कुछ अपूर्व अंगों का विधान भी मिलता है, कुछ नए अंगों का विधान मिलता है जिनका विधान उनके प्रकृति याग में नहीं हुआ रहता। मतलब जो अंग हमने प्रकृति याग से ले लिए वो तो चलो ले लिए, वो तो प्रकृति याग से आए हैं, उनकी विधि तो वैसे ही होगी जैसे प्रकृति से होगी, लेकिन कुछ अपने इस विकृति याग के अपने अंग भी तो हैं जो कि विकृति याग में जिनका वर्णन नहीं है, तो ये हो गए नए अंग। तो विकृति याग में कुछ ऐसे नवीन अंगों का विधान मिलता है जिनका विधान उनके प्रकृति याग में नहीं हुआ रहता। ठीक है, इसीलिए इन क्रियाओं के, इन अंगों के विषय में फलाकांक्षा उत्पन्न होती है कि ये नवीन अंग किस लिए हैं। ठीक है, ए भी किम भावयेत। अब ये जो ए भी किम भावयेत, ये जो फलाकांक्षा उत्पन्न हुई, इसका शमन जो है वह प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या इस अतिदेश वाक्य से हो नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति याग में ये अंग पाए ही नहीं जाते। ठीक है, मतलब इसलिए यहाँ पर उभयाकांक्षा नहीं हो सकती, क्योंकि प्रकृति याग में ये अंग पाए नहीं जाते। और प्रश्न फिर से ये उठ गया है कि फलाकांक्षा, ठीक है, ये भी किम भावयेत, इन नवीन अंगों से किस इष्ट की पूर्ति होती है। ठीक है, तो ये जब प्रश्न उठता है, ये जब आकांक्षा उत्पन्न होती है, तो प्रकृतिवत विकृति ही कर्तव्य, ये इस आकांक्षा का उपशमन नहीं कर सकता, इस आकांक्षा की शांति नहीं कर सकता, क्योंकि प्रकृति याग में ये अंग पाए ही नहीं जाते। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये समस्या उत्पन्न हुई तो क्या किया जाए। ठीक है, मतलब यद्यपि यहाँ पर फलाकांक्षा है लेकिन कथम भावाकांक्षा नहीं है। फल की आकांक्षा तो है लेकिन कथम भावाकांक्षा नहीं है। कथम भावाकांक्षा यदि होगी कि कैसे किया जाए, तो फिर वहाँ पर प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य ये इसकी पूर्ति कर देगा। ठीक है, लेकिन क्यों किया जाए, ठीक है, फल क्या मिलेगा, उसकी पूर्ति ये नहीं कर पा रहा, क्योंकि वहाँ पर इनका वर्णन है ही नहीं। तो परस्पर दो आकांक्षाएँ नहीं हुई, केवल एक ही आकांक्षा हुई, फल की आकांक्षा। ठीक है, कथम की आकांक्षा नहीं हुई, किम की आकांक्षा हुई, तो उभय आकांक्षा नहीं हुई। इसलिए यहाँ पर ये कहा गया कि यदि यहाँ पर उभय आकांक्षा नहीं हो रही है तो यहाँ पर प्रकरण की प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि प्रकरण की प्रवृत्ति वहीं होती है, प्रकरण प्रमाण वहीं पर आता है जहाँ पर उभय आकांक्षा होती है। ठीक है, फिर से प्रश्न ये उठा कि यदि प्रकरण की प्रवृत्ति नहीं होगी तो फिर ये जो नवीन अंग हैं ये जो है उस विकृति याग के अंग कैसे बनेंगे। तो फिर उसके समाधान में कहा कि स्थानादेव, कि प्रकरण प्रमाण के बाद जो प्रमाण है अगला स्थान प्रमाण, उसके द्वारा जो है ये विकृति याग के अंग समझे जाएंगे। ठीक है, मतलब स्थान प्रमाण के द्वारा ये नवीन अंग जो हैं, ये अपूर्व अंग जो हैं, ये विकृति याग के अंग बनेंगे। ठीक है, अब अवांतर प्रकरण का लक्षण बताते हैं और कहते हैं कि अंग भावना संबंधी प्रकरणम अवांतर प्रकरणम। ठीक है, मतलब अंग भावना से संबंधित जो प्रकरण होगा उसे अवांतर प्रकरण कहेंगे। अंग भावना का मतलब जैसे दर्श पौर्णमास एक मुख्य है, मुख्य यज्ञ है, वो अंगी है। ठीक है, उसका एक अंग है प्रयाज आदि। ठीक है, वो कैसे किए जाते हैं, प्रयाज आदि यज्ञों से किया जाता है, तो प्रयाज आदि हो गए दर्श पौर्णमास के अंग। ठीक है, तो ये अंग जो अवांतर प्रकरण होता है वो इन्हीं अंगों के बारे में बताता है। ठीक है, मतलब ये अंगों के बारे में जो भावना उत्पन्न होती है, कथम भावयेत, किम भावयेत, किन भावयेत, तो इन प्रयाज आदि में भी कथम भावयेत की भावना जब उत्पन्न होगी तो उसके भी अंगों को, अभिक्रमण आदि जो उसके अंग होंगे उनके बारे में यह अवांतर प्रकरण बताता है। तो एक तो हो गया मुख्य अंगी संबंधी, ठीक है, जो स्वर्ग संबंधी, स्वर्ग भावना संबंधी प्रकरण है उसको महाप्रकरण कहेंगे। और दूसरा जो प्रकरण हो गया वह है अवांतर प्रकरण, जो किससे संबंधित होगा, उस मुख्य अंगी के अंगों से संबंधित होगा कि कथम भावयेत, तो प्रयाजेन भावयेत, इस तरह से जो अंगों के बारे में जब बताया जाएगा तो उससे संबंधित जो प्रकरण होगा उसे कहेंगे अवांतर प्रकरण। ठीक है, अब अवांतर प्रकरण होने के लिए आवश्यक है कि उभयाकांक्षा हो, पहली बात, और दूसरी अंग क्रियाएँ अंग भावना का अंग हों। ठीक है, अर्थात इस स्थल में अंग की भी जो क्रियाएं होंगी वो भी अंग, मतलब अंग का भी जो अंग होगा वह भी किसी प्रधान का अंग माना जाएगा। वो इस वो संबंध जो बताएगा कि यह इसका अंग है और इसके अंग का भी ये अंग है, वो इस अवांतर प्रकरण से हमें पता चलेगा। ठीक है, अंदर की बातें हमें अवांतर प्रकरण से पता चलेंगी। और इसमें एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि संदंश न्याय जो यहाँ पर बता रखा है, संदंशेनैव, इसको अभी हम समझेंगे। आगे कह रहे हैं कि तेन च अभिक्रमणादीनां प्रयाजाद्यंगत्वम,
ठीक है। इससे क्या होगा कि अभिक्रमण आदि अन्य क्रियाएं जो हैं ये भी प्रयाज आदि का अंग मानी जाएंगी, तो वहां पर अभिक्रमण बन जाएगा अंग, ठीक है, और प्रयाज आदि क्या बन जाएगा, अंगी बन जाएगा। जैसे दर्श पौर्णमास यज्ञ में दर्श पौर्णमास यज्ञ क्या है, अंगी है, और प्रयाज आदि क्या है, उसके अंग हैं। तो उसी प्रकार जब प्रयाज आदि के भी अंगों की बात होगी तो प्रयाज आदि अंगी बन जाएगा और अभिक्रमण आदि क्या बन जाएंगे, अंग बन जाएंगे। हालांकि प्रयाज आदि है तो अंग ही, लेकिन यहाँ पर इसके भी क्योंकि ये अंग हैं इसलिए यहाँ पर ये अंगी बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब कह रहे हैं ये कैसे जानेंगे हम कि अभिक्रमण आदि जो हैं ये प्रयाज आदि के अंग बन जाएंगे, कैसे जानेंगे हम प्रयाज आदि क्या है, ये समझ रहे हैं ना। प्रयाज आदि क्या है, जैसे एक दर्श पौर्णमास एक मुख्य यज्ञ है, प्रधान यज्ञ है, वो अंगी है, तो ये भावना उत्पन्न हुई कि कथम भावित, हम दर्श पौर्णमास यज्ञ कैसे करें। तो उन्होंने कहा कि प्रयाज आदि ना भावित, प्रयाज आदि यज्ञों के द्वारा दर्श पौर्णमास यज्ञ करें। तो छोटे छोटे कई सारे यज्ञ होते हैं जो प्रयाज आदि, उनका नाम प्रयाज, अनुयाज, इस तरह से बहुत सारे यज्ञ हैं, तो उन यज्ञों को मिला करके दर्श पौर्णमास यज्ञ बनता है, एक बड़ा यज्ञ बनता है। तो फिर से भावना उत्पन्न हुई प्रयाज आदि कथम भावित, तो उसके लिए इन्होंने बताया कि अभिक्रमण आदि क्रियाओं के द्वारा प्रयाज आदि को करेंगे, ठीक है। तो प्रयाज आदि के भी अंग बन गए, यज्ञ के अंग के अंदर भी छोटे छोटे यज्ञ और होते हैं, अंगभूत जो होते हैं, तो वो उनको क्या बोलेंगे, अभिक्रमण आदि, आदि का मतलब और भी जो अन्य क्रियाएं होती हैं। अब वो कैसे अभिक्रमण आदि प्रयाज आदि के अंग बनते हैं, कैसे यहाँ पर उभयाकांक्षा उत्पन्न होती है, इसको इसके बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं तच्च संदंशेन ज्ञायते, संदंश के द्वारा अंगत्व का बोध हमें होता है। अभिक्रमण आदि प्रयाज आदि के अंग हैं ये हमें संदंश के द्वारा पता चलता है। अब ये संदंश क्या है, इसको विस्तृत रूप से इसके अगले भाग में, जैसे 37वें है तो 38वें भाग में इसको बताया गया है, आगे इसको समझते हैं। पहले तद अभावे, मतलब उस संदंश के अभाव में, च अविशेषात सर्वेशाम फल भावना कथम भावेन ग्रहण प्रसंगेन प्रसानांगत्वापत्ते है। यदि संदंश नहीं होगा तो जो अविशेष हैं, मतलब जो अभिक्रमण आदि जो क्रियाएं हैं ये विशेष क्रियाएं नहीं हैं, मतलब ये प्रयाज आदि को करने के लिए तो समर्थ हैं, ठीक है। प्रयाज आदि जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे, अभिक्रमण आदि क्रियाओं को करके ही करेंगे, ठीक है। लेकिन ये प्रयाज आदि के लिए तो उसके अंग हैं, लेकिन यदि हम संदंश न्याय नहीं करेंगे, संदंश न्याय के द्वारा प्रयाज आदि का अंग इनको नहीं मानेंगे, तो क्या होगा, ये डायरेक्ट जो है उस मुख्य अंगी के, मतलब दर्श पौर्णमास के अंग बनने लग जाएंगे, क्योंकि ये भी यज्ञ में प्रयोग हो रहे हैं और यज्ञ में प्रयोग होने के कारण ये भी अंग भूत हैं, तो ये प्रयाज आदि के अंग नहीं होंगे। जैसे प्रयाज आदि डायरेक्ट दर्श पौर्णमास के अंग हैं और फिर ये इनके अंग हैं प्रयाज आदि के, अभिक्रमण आदि, लेकिन यदि हम संदंश न्याय नहीं करेंगे तो जिस तरह डायरेक्ट जो है दर्श पौर्णमास के अंग प्रयाज आदि बन रहे थे, उसी प्रकार अभिक्रमण आदि भी डायरेक्ट जो है दर्श पौर्णमास यज्ञ का अंग बन जाएंगे, तो ये एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो पता नहीं चलेगा कि मुख्य अंग कौन है, अवांतर अंग कौन है, मुख्य अंग कौन से हैं, गौण अंग कौन से हैं, तो इसलिए संदंश न्याय बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो तद्भावे, उसके अभाव में, अविशेषात, जो अविशेष अंग हैं, जो कुछ खास अंग नहीं है, ठीक है, लेकिन आवश्यक हैं, तो उन सभी की भी फल भावना उत्पन्न होगी कथम भावेन, इस प्रकार उनमें भी फल भावना उत्पन्न होने लगेगी कि कथम भावियत, ठीक है। और फल भावना जैसे उत्पन्न होगी तो उसका जो फल निकलेगा वो तो है स्वर्ग को ही प्राप्त करना, ठीक है। दर्श पौर्णमास क्योंकि मुख्य यज्ञ है और उसका जो फल है वो स्वर्ग को प्राप्त करना है, तो इनका फल भी स्वर्ग को प्राप्त करना होने लगेगा और ये डायरेक्ट रूप से दर्श पौर्णमास का अंग बन जाएंगी। ग्रहण प्रसंगेन प्रधान अंगात्वापत्ते हैं, प्रधान यज्ञ के ही दर्श पौर्णमास आदि जो प्रधान यज्ञ हैं उनका ही अंग ये बनने लग जाएंगे। कौन, अभिक्रमण आदि क्रियाएं जो अंगभूत में है प्रयाज आदि के, ठीक है। तो इसलिए संदंश न्याय आवश्यक है। अब संदंश न्याय होता क्या है इसको समझते हैं। देखिए पहले क्या होता था, अब तो अनेक उपकरणों का आविष्कार हो चुका है, लेकिन पहले क्या होता था, जैसे गांव में हमें चूल्हे पर एक लोटा हमने चढ़ा रखा है, ठीक है, उसमें हमने पानी गर्म कर रखा है, लोटा है और इसमें हमने पानी गर्म कर रखा है, ठीक है। अब इसको उतारने के लिए इस पर हैंडल है नहीं, ठीक है, तो इसको कैसे उतारेंगे, इसको उतारेंगे कैसे, तो एक संदंश होता था, एक संडासी होती थी, ठीक है, वो कुछ इस तरह की होती थी, इधर से ऐसे, और फिर ये जो होता था ये पकड़ने के लिए होता था, तो इस वाले भाग के और इस वाले भाग के बीच में लोटे को फंसाया जाता था और फिर पकड़ के लोटे को उतार दिया जाता था, तो इसको कहते हैं संदंश, ठीक है। इसका एक भाग है ये
और एक भाग ये है, और बीच में लोटा आ जाएगा तो एक भाग इसका ये भी बन जाएगा। तो इस तरह से संदंश से किसी भी पात्र को चूल्हे से उतारा जाता था या फिर कहीं पर रखा जाता था। गर्म पात्र को उतारने के लिए संदंश अक्सर काम आया करता था। तो ये है संदंश। अब यहाँ पर संदंश क्यों काम आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर संदंश की क्या, संदंश न्याय की क्या आवश्यकता हमें पड़ गई, तो उसके बारे में आगे बता रहे हैं। संदंश का जो है लक्षण और उदाहरण देके बताएंगे आगे कि एकांगानुवादेन विधीयमानयोः अंगयोः अंतराले विहितत्वं संदंशः, ठीक है। एकांगानुवादेन मतलब कोई मुख्य याग है, मुख्य यज्ञ है, प्रधान यज्ञ है, उसके एक अंग का हमने अनुवाद कर दिया है, ठीक है। तो एक अंग का अनुवाद करके, मान लो उसके दो अंग हैं और दो अंगों में से हमने एक अंग का अनुवाद कर लिया है, तो विधीयमानयोः अंगयोः, तो उन दो अंगों में से, ठीक है, जिनका, जिनको हमने अभी प्रयोग करना है, दो अंगों जिनका, दो अंगों को यूज अभी हमने करना है, तो उन दो अंगों में से एक अंग का अनुवाद तो कर दिया, और दूसरे अंग के अनुवाद करने से पहले, मतलब कि उन दो अंगों के अंतराल में विहितत्वम, जो एक अन्य क्रिया विहित होगी, उसे हम क्या कहेंगे, संदंश कहेंगे। मतलब किसी मुख्य यज्ञ के दो अंग हैं, पहले अंग का हमने अनुवाद कर लिया और दूसरे अंग का अनुवाद करने से पहले एक दूसरी क्रिया आ गई, तो उन दो अंगों के बीच में जो क्रिया है उसका क्या करें, ठीक है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर संदंश न्याय पकड़ा कि दो जो अंग हैं वो हो गए संदंश, और बीच का वो पात्र भी उसी मुख्य यज्ञ का अंग माना जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उन दो विधीयमान क्रियाओं के अंगों के मध्य आने वाली, अंतराल में आने वाली जो एक अन्य क्रिया है, उसे हम संदंश कहेंगे, ठीक है। यथा अभिक्रमण, जैसे कि अभिक्रमण क्रिया में, अब अभिक्रमण क्रिया में संदंश कैसे होता है इसको हम समझते हैं। तद ही समानयते जुह्वाम उपभृतस तेजोवा, ये एक विधि है, ठीक है। ये अब प्रयाज के अंगों के बारे में बता रहे हैं। देखो, दर्श पौर्णमास यज्ञ प्रधान यज्ञ है, प्रयाज यज्ञ वो उसका अंग है, ठीक है। कथम भावी है, तो प्रयाजेन भावी है, तो प्रयाज अंग जो है दर्श पौर्णमास का अंग बन गया। अब प्रयाज का भी कथम भावी की भावना उत्पन्न हुई, तो प्रयाज के भी अंगों के बारे में बताया गया। तो प्रयाज का एक अंग तो ये है कि समानयते जुह्वाम उपभृतस तेजोवा, ठीक है, इत्यादि ना प्रयाजानुवादेन किंचित अंगम विधाय। इस विधि से हमने प्रयाज के किसी अंग को विधाय माने वहाँ पर रखा। इस विधि को पढ़ करके प्रयाज के किसी एक अंग का विधान किया, ठीक है। और जब हमने उसका विधान किया तो उसके बाद इससे पहले कि प्रयाज के दूसरे अंग का विधान हम करते, एक और क्रिया आ गई, और वो क्रिया ये आ गई, उस क्रिया का विधान इस मंत्र से होने लग गया, यस्यैवं विदुषः, ठीक है। यस्यैवं विदुषः प्रयाजा इज्यन्ते प्रेभ्यो लोकेभ्यो भ्रातृव्यान् नुदते अभिक्रामं जुहोत्याभिजित्ये, ये एक विधि आ गई, ठीक है। अब इस विधि से अभिक्रमण क्रिया का विधान हो गया, ठीक है। और जब इस विधि से अभिक्रमण क्रिया का विधान हो गया तो उसके तुरंत बाद प्रयाज के किसी दूसरे अंग के लिए, तदनंतर यो वै प्रयाजानां मिथुनम वेद इत्यादिना किंचित अंगम विधीयते, उसके बाद, मतलब पहले प्रयाज के किसी एक अंग का विधान किया गया समानयते वाली विधि से, ठीक है। उसके बाद बीच में एक क्रिया आ गई जिस अभिक्रमण नाम की क्रिया आ गई, उसका विधान किया गया यस्यैवं विदुषः प्रयाजा इज्यन्ते प्रेभ्यो इस वाली विधि से। इसके बाद प्रयाज के दूसरे अंग का विधान किया गया कि यो वै प्रयाजानां मिथुनम वेद, इससे दूसरे अंग का विधान किया गया, मतलब यो वै प्रजानां मिथुनम वेद इस अंग के, और समानयते जुह्वाम उपभृतस तेजोवा इस अंग के बीच में ये जो यस्यैवं विदुषः प्रयाजा इज्यन्ते जो अभिक्रमण विधि आ गई थी, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, संदंश कहेंगे। अतः प्रयाजांग मध्ये विहितम अभिक्रमणम तदंगम। तो यहाँ पर ये फिर से भावना उत्पन्न हुई कि ये जो बीच में एक अभिक्रमण क्रिया आ गई थी, ये किसका अंग माना जाए, इसे अंग माना भी जाए या न माना जाए, तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन निकाला गया कि संदंश न्याय से इसे भी हम प्रयाज के अंगों के मध्य विहित होने के कारण इस अभिक्रमण को भी हम उसका अंग ही मानेंगे। तो अभी तक हम ये समझे हैं कि प्रयाज जो हैं वो दर्श पूर्णमास के अंग हैं, अतः वो प्रयाज भावना जो है वो अंग भावना है, ठीक है। अब प्रयाज भावना, क्योंकि दर्श पूर्णमास में जब कथम भावियत की भावना उत्पन्न हुई तो कहा प्रयाजा कर्तव्या, ठीक है। अब प्रयाजा कर्तव्या का मतलब ये निकला कि प्रयाजई अपूर्वम कृत्वा यागोपकारम भावयेत,
इन प्रयाजों से ही अपूर्व होगा, इसलिए यागोपकारम भावयेत, इनसे ही तुम दर्श पौर्णमास आदि यज्ञ करो। तो प्रयाजः कर्तव्यः का जो अर्थबोध निकला कि प्रयाज ही अपूर्वम कृत्वा यागोपकारम भावयेत, तो इसमें भावना उत्पन्न हुई कि कथम भावयेत, तो कथम एभिः अपूर्वम कर्तव्यम, ठीक है, कैसे इस अपूर्व को किया जाए। इति कथम भावाकांक्षाया सत्वात्, तो इस प्रकार से पुनः जो है कथम भाव की आकांक्षा हुई, ठीक है, तो वो कथम भाव की आकांक्षा कैसे शांत होगी, ठीक है। कथम एभिः अपूर्वम कर्तव्यम, ये जो प्रयाजः कर्तव्यः का अर्थबोध वाक्य निकला था कि प्रयाजे अपूर्वम कृत्वा यागोपकारम भावयेत, कि प्रयाज से अपूर्व पहले करो, फिर यागोपकार करो, फिर मतलब उस यज्ञ को संपन्न करो, करना चाहिए। तो ये अपूर्व कैसे किया जाए, कथम भावयेत एभिः अपूर्वम, तो इसी भावना को शांत करने के लिए यहाँ पर कौन सी क्रिया आई, अभिक्रमणादि क्रिया आई। और अभिक्रमणादि जो क्रिया आई, अभिक्रमण क्रिया आई आदि मतलब और भी जगह इस तरह की जो भी क्रियाएँ होंगी, अभिक्रमण जो क्रिया आई ये संदंश न्याय से जो है इसका अंग बनी, प्रयाज का अंग बनी, और तब जाके हमारी ये कथम ए भी अपूर्वम कर्तव्यम वाली भावना शांत हुई। साच संदंश पाठितई अभिक्रमणादि भी शाम्यति, और यही भावना कथम भावना जो है यही संदंश के अंतर्गत पढ़ी गई जो अभिक्रमण आदि क्रियाएं हैं, जिससे कि संदंश के द्वारा अभिक्रमण आदि भी जो है प्रयाज का अंग बन गई, तो वह इस भावना को शांत करेगी। और जो पूर्व पक्षी ऐसा कह रहा है कि न च अंग भावनायाः कथम भावाकांक्षा भावः, पूर्व पक्षी ये जो कह रहा है कि अंग भावना में कथम भावाकांक्षा नहीं होती, तो इसलिए उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि कथम भावना को शांत करने के लिए ही संदंश के द्वारा अभिक्रमण को प्रयाज का अंग माना गया है, ठीक है। तो आपको ये नहीं कहना चाहिए कि अंग भावना में कथम भावाकांक्षा नहीं होती, क्योंकि भावना तो उत्पन्न होगी ही, भावना जब तक उत्पन्न नहीं होगी तब तक कोई क्रिया कैसे आएगी, ठीक है। तो सिद्धांती यहाँ पर उत्तर दे रहा है कि भावना कथम भावाकांक्षा युक्त होती ही है, कथम भाव से युक्त होती है, क्योंकि भावना के तीन अंग हैं, साध्य साधन और रति कर्तव्यता, है ना। तो यह एक सामान्य नियम है कि भावना तो भावना कैसी भी हो, चाहे अंग भावना हो चाहे प्रधान भावना हो, उसमें कथम भाव तो होगा ही होगा, ठीक है। तो प्रयाज भावना भी एक भावना भी है, भावना ही है, उसमें भी कथम भावाकांक्षा होगी ही होगी, और वही कथम भावाकांक्षा को शांत करने के लिए यहाँ पर संदंश क्रिया से हम अभिक्रमण क्रिया को प्रयाज का अंग मानेंगे, ठीक है, संदंश न्याय से। तो इस प्रकार से भावना साम्येन तत्रापि तत्संभवात्, अर्थात ये जो अंग भावना है ये भी एक भावना ही है, भावना साम्येन मतलब भावना की तरह ही साम्यता रखती है, ठीक है, अन्य भावनाओं की तरह ये भी एक अंग भावना भी एक भावना है, और भावना होने के कारण तत्रापि तत्संभवात, उसमें भी कथम भावाकांक्षा उत्पन्न होगी ही होगी, और उसी कथम भावाकांक्षा को शांत करने के लिए हमें यहाँ पर संदंश न्याय से जो है अभिक्रमण को इसका अंग मानना पड़ा है या माना गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि जो अंगभूत क्रियाएं होती हैं, अंग भावना जो होती है उसमें कथम भावाकांक्षा नहीं होती, उसका खंडन यहाँ पर कर दिया, और संदंश के द्वारा जो है हमने जो बीच में आने वाली क्रियाएँ हैं उनको भी प्रयाज आदि का अंग सिद्ध कर दिया, ठीक है।